आप सूरज सिंह साहब, जनाब सूरज सिंह साहब। प्रदर्शनों का शहर बनता जा रहा है, इसलिए स्टेज रूप का नारा बड़ा जरूरी है। और गुलाम नबी आजाद साहब भी ऐसे शख्स हैं, ऐसे लीडर हैं जो हमारी स्टेट को वापस ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाल है और लोगों की आवाज जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिस कांग्रेस पार्टी ने 70 साल यहाँ हुकूमत की और यहाँ के भाईचारे को कायम रखा। उपस्थित है दूर दूर से लोग इस मीटिंग के लिए, इस नारायणा में कांग्रेस की सबसे बड़ी मीटिंग जो है, काफी अरसे के बाद अभी जो है कांग्रेस की मीटिंग यहाँ पे चल रही है। दोस्तों एक बार फिर दैनिक सेठ समाचार में आपका स्वागत है। आज नारायणा में है, अखनूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में नारायणा में कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा जलसा है। आप देख सकते हो पीछे काफी तादाद में लोग जो है आ रखे हैं, बड़े बड़े लीडर्स फॉर्मर मिनिस्टर्स भी आज कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे हैं। काफी लोगों की ज्वाइनिंग भी जो है आज कांग्रेस पार्टी में पड़ रही है। पहले तो एजेंडे की बात करेंगे सर, आज का एजेंडा। आज का एजेंडा जो है, जो हमारे अखनूर मीटिंग है, हर महीने हम अपने वर्कर्स मीटिंग करते हैं। चाहे पावर में थे, जब भी करते थे, पावर में जब नहीं रहे तब भी हमारी मीटिंग 4 तारीख की जो है ये कंटिन्यू चलती है, उसी सीक्वेंस में हमने करनी है। सर अभी हमने सुना आपने कहा कि बड़ी बड़ी मीटिंग होती हैं, जब पार्टी की मीटिंग होती है उस पार्टी मीटिंग में सर जनता जानना चाहती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के वो क्यों नहीं आते, ये एक चर्चा का विषय है। गुलाम नबी आजाद सेंटर से जब आते हैं और भी लीडर्स आते हैं, G23 जिसको कहा जाता है, लेकिन बाद में वही लीडर्स नाराजगी भी जताते हैं कि हमें बुलावा नहीं। बाजी जो कांग्रेस में चल रही है उसके ऊपर क्या बात करेंगे? कांग्रेस एक थी, कांग्रेस एक है, कांग्रेस एक रहेगी। परिवार के अंदर छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं, वो हमारे अंदरूनी मामला है, जैसे बाहर से अंदरूनी मामला है तो अंदर ही निपट जाना चाहिए, बाद में ये मीडिया में लोगों में चर्चा का विषय बन जाता है। आज तक किसी ने भी मीडिया में जाके इस किस्म का प्रचार नहीं किया एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि जो भी पार्टी के साथ जो भी पॉलिटिक्स में आता है उसकी कोई ना कोई उम्मीद होती है। कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई MLA बनना चाहता है, कोई पार्टी की पोस्ट पे काम करना चाहता है, तो हर एक की इच्छा है, वो अपना क्लेम कर सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस एक थी, कांग्रेस एक है, कांग्रेस एक रहेगी, कांग्रेस को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। सर 72 सालों के बाद कांग्रेस नीचे स्तर पे आ गई और देखा जा रहा है 5-6 साल से खोड़ और अखनूर एक जड़ थी हमारी कांग्रेस की, आज वहाँ पे कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा, जो लोकल लीडर्स हैं वो भी अपने गांव के लोगों में अपनी जनता में जाके मिल नहीं रहे, उनका हाल नहीं पूछ रहे, कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि 5 तारीख को हमारे अखनूर विधानसभा के एरिया में मीटिंग थी, तकरीबन हर गांव पंचायत से लीडर हमारी पार्टी के आए थे, वहां भी यही बातें हुई लोगों की मुश्किलों की। कल परगवाल ब्लॉक का एक बहुत बड़ा जन समूह था, वहां भी लोगों के मसलों की बातें हुई। आज जो हमारा प्रोग्राम है इसमें भी आप सुनेंगे कि जो लोगों के मुद्दे हैं वही मुद्दे जहां उभारे जा रहे हैं, जो इस जनसभा के जरिए जो आप मीडिया के माध्यम से सरकार तक लोगों की समस्याएं पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। सर भाजपा के दफ्तरों के बाहर अभी आपने महंगाई की बात की, बढ़ती जा रही है, किसान जो है वो आंदोलन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो भाजपा के दफ्तर के बाहर काफी समय से काफी दिनों से वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं उनकी मदद के लिए वहां पे पहुंच रहा? हमारी कांग्रेस के बहुत सारे लीडर वहां गए, रमन भल्ला जी गए हैं, डॉक्टर मनोहर जी गए हैं, हमारे कॉर्पोरेटर्स गए हैं, ऐसी बात नहीं, कांग्रेस का पूरा समर्थन होता है। और डेमोक्रेसी में हर एक को पूरा हक बनता है कि अगर उसकी बात नहीं मानी जाती
तो वो इस्तीफा कर सकता है, वो अपनी आवाज उठा सकता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो डेमोक्रेसी में रह के अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उनकी बात सुने और उनके मसले का हल करने की कोशिश। सर आखिरी सवाल, क्या भारत में कांग्रेस फिर अपना एक दबदबा बना पाएगी? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अभी बीजेपी अपनी सीट्स निकालती जा रही है, राहुल गांधी जी सही लीडरशिप निभा रहे हैं? कांग्रेस कोई रीजनल पार्टी नहीं है, कांग्रेस कोई एक तबका की पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक सेक्युलर जमात है, कांग्रेस की एक हिस्ट्री है। इस कांग्रेस ने इस मुल्क को आजाद करवाया, 150 साल के करीब, 130-135 साल के करीब कांग्रेस की हिस्ट्री है। इस मुल्क को अगर अंग्रेजों से याद करवाया तो वो कांग्रेस ने करवाया। इस मुल्क को वो संविधान दिया जिसमें हर एक को बराबर का हक है, जिसमें छोटा हो इंसान या बड़ा हो उसका वोटिंग राइट बराबर दिया कि वो अपनी मर्जी से सरकार बदल सकता है, सरकार बना सकता है कि कांग्रेस की देन। आज मुल्क के अंदर जो भी चीजें आपको नजर आ रही हैं, चाहे वो बड़े बड़े नेशनल हाईवे हैं, रेल लाइनें हैं, हवाई अड्डे हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर की जो जहां बेहतरी हुई है, रोजगार जो लोगों को दिए गए हैं, ये सारा कुछ कांग्रेस की भी देन। हमारा डिफेंस अगर मजबूत है तो ये भी कांग्रेस की देन। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को कोई कमजोर नहीं कर सकता। ये एक फेज था जो लोगों ने एक ट्रायल किया कि चलो हम चेंज करके देखते हैं कि शायद दूसरा कोई आएगा तो वो ज्यादा काम करेगा। जितना यूपीए 1 यूपीए 2 के वक्त इस मुल्क की बेहतरी हुई है, इकोनॉमी जो मुल्क की है इतनी बेहतर हुई, डेवलपमेंट जो इतनी हुई, उसके बाद लोगों ने जो चेंज की उन्होंने यही सोचा था कि शायद इनसे ज्यादा कोई दूसरा करेगा। अब लोगों ने देख लिया कि झूठे वायदे थे, ना किसी को 15 लाख मिला, ना किसी को रोजगार मिला, महंगाई आसमान को छू रही है, डेवलपमेंट टोटल खत्म हो गई है और डेमोक्रेसी के जो मैंने हैं वो आस्था आस्था कमजोर पड़ते हैं। तो अब कांग्रेस ही ऐसी जमात है जो इस मुल्क की बागडोर संभालेगी और फिर इस मुल्क को पांव पे खड़ा करेगी, खुशहाली लाएगी, कांग्रेस पार्टी आएगी। जो मुझे मेरा जी शुक्रिया सर। ये हमारे साथ ताराचंद जी, हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर जी एम सरूरी जी जो हैं वो हमारे साथ उपस्थित हैं। सर आज का ये मीटिंग जो नारायणा में रखी गई है, हमने देखा है कि कांग्रेस की सारी टीम जो है जम्मू की यहाँ पे आज एक साथ एकजुट हो गई है, लेकिन आज की टीम का एजेंडा क्या है सर? हमारा ये एजेंडा है कि लोगों की आवाज़ जो है, लोग सख्त परेशान हाल हैं, जो 7 साल भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादे और झूठी कारकर्दगी, उन्होंने कहा जम्मू को हम इतना बेहतरीन, जम्मू कश्मीर को हम एक नया कश्मीर का दर्जा, एक बेहतरीन का जम्मू कश्मीर, एक और यहाँ की डेवलपमेंट को इतना ज़्यादा बढ़ाएंगे, वो सारे वादे झूठ। यहाँ के नौजवानों को रोज़गार 0 के बराबर, यहाँ लोगों के कामकाज 0 के बराबर, यहाँ परेशान हाल हैं और लोगों की आवाज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिस कांग्रेस पार्टी ने 70 साल यहाँ हुकूमत की और यहाँ के भाईचारे को कायम रखा। सर आपने कहा कि ये अभी पार्टी जो है ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे मीटिंग चल रही है, ये तो आपको मालूम है हमारे सबका डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद जी। सर मेरा कहने का मतलब है आप पार्टी की तरफ से यहाँ पे मीटिंग चल रही है लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आपकी पार्टी में अभी भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, ऐसा क्यों? कब तक ये गुटबाजी जो चल रही है कांग्रेस में ये कब तक चलेगी? हमारी गुटबाजी कुछ नहीं है, हमारा एक ही है कि जो पूरी कांग्रेस पार्टी इकट्ठी है, मजबूत है, ख्वाह सेंटर में है, ख्वाह यहाँ पे है। आप देखेंगे 5 सीटों के इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ हुए हैं, इनमें भी आप रिजल्ट देखेंगे जरूरी, मगर उसके बावजूद जो रियासत में है, आपने देखा पिछले 45 दिन से जगह जगह प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कोई कहीं पे प्रोग्राम कर रहा है, कोई कश्मीर में कर रहा है, कोई चनाब वैली में कर रहा है, कोई पुंछ राजौरी में कर रहा है, कोई जम्मू में कर रहा है। लिहाजा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए सारा हो रहा है। बाकी रही बात की संगठन को मजबूत करने के लिए बदलाव जो हम चाहते हैं वो हाईकमान इंशाल्लाह जल्दी से। सर इस टाइम सारी दुनिया देख रही है, सेंटर से गुलाम नबी आजाद जी आते हैं और भी अन्य लीडर आते हैं, G23 जो आपका बनाया हुआ है, लेकिन आप ही के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट वहां पे नहीं होते। एक विशेष चर्चा है ये इस टाइम जनता के बीच में कि आपस में मुठभेड़ क्यों, और साथ में वही बात में नाराजगी भी जताते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये जहां पे आपने कहा कि G20 कोई जमात नहीं है,
G23 जो आपने बताया, G23 ये मीडिया ने नाम दिया है, G23 कुछ नहीं है। हमारे सीनियर लीडर जो हैं, का आजाद साहब हूँ, का उनके बाकी साथी हूँ, वो सारे संगठन के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस को मजबूत कर। एक सजेशन होती है, अगर 23 लोगों ने लेटर लिखा, उन्होंने सजेशन दी, उसको तो अलहदा ग्रुप तो नहीं समझा जाएगा। आपने परसों भी आजाद साहब का इंटरव्यू सुना कि कांग्रेस एक है, कांग्रेस इकट्ठी है, कांग्रेस मजबूत है, और खास करके जम्मू कश्मीर गुलाम नबी आजाद के बगैर यहाँ कुछ नहीं है। उनके बगैर यहाँ कांग्रेस को मजबूत करना हमारा फर्ज बनता है, और वो हमारे लीडर हैं, वो हिंदुस्तान के लीडर हैं, रियासत के लीडर हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उनको सराहा है, पार्लियामेंट में उनको सराहा है, ऑल पार्टीज ने उनको सराहा है। लिहाजा जम्मू कश्मीर में जिन्होंने 2002 में यहाँ हुकूमत 27 साल के बाद बनाई, इंशाल्लाह खुदा करे, भगवान करे कि आने वाले वक्त में उनकी कयादत में रियासत जम्मू कश्मीर में कांग्रेस सरकार बनाएगी और बना के रहे। जी शुक्रिया सर। पाकिस्तानी को उम्मीद है इसी तरह से जो प्रोग्राम्स हैं वो जारी हो गए हैं। ये हम आपको अखनूर नारायणा की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखा रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राबिया।